वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। वाओ सेम सेम बोलो, बिल्कुल हमने सेम टर्न में एकदम। बिल्कुल ये बात होती है ना प्यार, प्यार जो लोग प्यार करते हैं ना उनके साथ ऐसे ही होता है। आज का व्लॉग है हमारा करवा चौथ व्लॉग, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट किया, क्या क्या हमने प्रिपरेशंस करी और कैसा रहा। पहले हम बता दें कि इस बार हम सहारनपुर नहीं जा पाए करवा चौथ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़े से बिजी थे और फिर हमारे को एक हफ्ते बाद दिवाली के लिए भी एनीवेज जाना है, तो फिर इसलिए हम नहीं जा पाए। हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि फेस्टिवल में ना या बहुत याद आती है घर वालों की, बट ठीक है कोई बात नहीं, इस बार ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं। अभी तान्या को मेहंदी लगवाने हम जा रहे हैं, तान्या को मैं मेहंदी लगवाने के लिए छोड़ूंगा और मैं आगे जाऊंगा अपने जिम और वापसी आते हुए मैं इसे पिक करूंगा। तो ये दो दिन का कंबाइंड ब्लॉग होगा, मतलब ये आज रात से शुरू हुआ, कल पूरा दिन करवा चौथ है और इसने मेरा गर्दन दबा दिया। चलो तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर जिम से। तान्या की भी आपने मेहंदी देख ली होगी कि उसे भी लग रही है और मेरी मेहंदी है ये, लगी तो अच्छी थी, फ्लावर बनाया था उन्होंने लेकिन आते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने हल्का साथ ऐसे कर लिया तो वो डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया उसका। अब मैं वेट कर रहा हूँ तान्या की देखने की कि उसकी मेहंदी कैसी लगी है, कितनी खूबसूरत लगी हो, उससे ज्यादा खूबसूरत तो हो नहीं सकती। तान्या आ चुकी है, बस आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बेशरम इतनी बेल बजा रही है, शर्म क्यों? एक बार भी बाहर नहीं आया पूछने की बीवी प्यासी बैठी है वहाँ पे, इतनी देर से मेहंदी लगवा रही है, ये नहीं कि एक बार भी आ जाए। मैं आने ही वाला था, तू आ गई, मैंने प्रोटीन शेक वगैरह पिया, इतनी देर में तू आ गई, चल सब इतनी देर से घर की तरफ देख रही हूँ कि अब आएगा मेरा पति, अब आएगा पानी लेके। मेहंदी तो दिखा दे यार, मेहंदी पोटी करी है उसने मेरे हाथ पे, मैंने उसे इतना समझाया कि ऐसे लगानी है ऐसे लगानी है, पता नहीं क्या 400 रुपए की पोटी, ये देखो 400 रुपए की पोटी गाइस। नहीं यार मुझे तो यहाँ से खराब भी हो गई, ओ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे मेहंदी, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बकवास ना कर, अच्छी लग रही है। नहीं मजा नहीं आ, मैं चांटे मारूंगा। बैग भी दिखा दे सबको मेहंदी की, बैग में भी पोटी करी है, तो बैग भी बड़ी सुंदर लग रही है, जैसे झालर झालर से पर्दे से लटक रहा है। नहीं था डिजाइन जो मैंने दिखाया था, बहुत गंदा बनाया। कोई बात भाई, जब मैं तेरा हस्बैंड हूँ तो मेरा ही नाम लिखवाएगी ना? लिखवाने जाऊँ की नहीं जाऊँ? चुप करके जा और अपने हाथ में अपने हस्बैंड का नाम लिखवा के आ, चल। या गाइस देखो मैंने मेहंदी लगवा ली, लेकिन एक तो उसने इस थंब पे नहीं लगाई मेहंदी, दूसरा उसने अभी नाम नहीं, मैं नाम लिखवाना भूल गई, वो तो मैंने बोला था लेकिन मैं एंड में भूल गई। जा फिर लिखवाया, जा लिखवाया पक्का? हाँ। उसके बाद डिनर पे चले, चल समझ में आ रहा शिवम है? हाँ। उसने ये कितना अलग सा ही बना दिया, सारे हाथ का अलग और ये बिल्कुल अलग। इतनी खुश हो रही है ना यार, सारा काम मुझसे करवा रही है। ये देखो तो क्या हो गया? गाड़ी का दरवाजा खुलवाना, तो रानी बन के अंदर बैठना, महारानी बन के। एक मिनट, मेरे पीछे बॉटल है, पहले ये बॉटल तो हटाओ। बैठ जा, बैठ के निकाल दूंगा, एक बार आके बैठ जा तू। गाइस है ना, जान के ड्रामे मार रही है ज्यादा ही। गेस करो इसको मैं कहाँ पर लेकर आया हूँ? बर्गर खिलाने, बर्गर खिलाने। ये है मेरी आज की सरगी, ये यूजुअली सरगी सास देती है लेकिन मम्मी यहाँ पे नहीं है तो मेरे पति ने मुझे सरगी दी है। वाओ, क्योंकि कल सारा दिन नहीं खा पाएगी ना, इसलिए आज मैं इसको इतना ज्यादा गंद कबाड़ खिला दूंगा कि कल इतना ज्यादा भी नहीं खा रही मैं, सिर्फ एक बर्गर खाने आई हूँ। गाइस देख रहे हो आप, खुद इतना इतना खाता है तब कुछ नहीं होता। मैं बोल लूँ, मेरी बात कम्प्लीट नहीं थी, आपने काटी। सॉरी, आज मैं इसे इतना खिलाऊंगा कि कल सारा दिन टॉयलेट में बैठी रहेगी, ये बोलना था मैंने। देखना मेरी सरगी कैसे ठूस रही है, मेरा बर्गर है और खुद खा रहा है। यार मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट इतना बड़ी बात, ये देखना टेस्ट एक बार होता है दो बार होता है। मेहंदी लगा दूंगी, इतना सारा खा नहीं पाएगी, मेहंदी लगा दूंगी। अच्छा नहीं सॉरी। कल शिवम का भी फास्ट है, मेरे साथ साथ हर साल शिवम भी फास्ट रखता है। कैसा लग रहा है आपको? हाँ इसने देखो मेहंदी भी लगाई है ना इसीलिए, क्योंकि कल इसका भी फास्ट है। देख रहे हो कितना प्यारा पति है मेरा, ऐसे आ नीचे आ। तो अभी हम आए हैं कुछ मीठा खाने के लिए, मतलब अभी नहीं खाएंगे, घर ले जाके रख देंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो अब हमने लिए आमंड पेस्ट्री और रेड वेलवेट पेस्ट्री, और ये मैंने अपने सारे के सारे जो पार्सल्स आए हुए थे अभी मैंने गार्ड से कलेक्ट करके तान्या को दे दिए तान्या पे फेंक दिए, तान्या पे रख दिए। सॉरी गाइस लाइट बंद हो गई तो फिर से मैंने लाइट जला दी। ठीक है तान्या मैं जा रहा हूँ, फिर फ्लैट में आ जाना है। अरे भाई उठाओ मेरी मेहंदी उतर रही, सारी गाड़ी गंदी हो जाएगी।
नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ आप, ठीक है यार। ओके ठीक है जी, लोग आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्या बोलेगी इतना गंदा चिल्ला रही है आंख दिखा रहा है मुझे गाइस, इसने मुझे पीछे से आंख दिखाई है कैमरे के उस पार से, देख लो गाइस मेरी मेहंदी सूख चुकी है, लेकिन देखो मैं अपने पति को कितना परेशान कर रही हूँ, कितनी गंदी वाइफ हूँ मैं। बट मैंने सामान उठाया, ऐसा नहीं उठाया नहीं है, ये देखो ये एक पन्नी उठाई है मैंने, बट मेरा बेचारा पति। इतनी बुरी बुरी हूँ मैं, कितना सारा सामान, बुरी हूँ मैं, तेरे को शर्म नहीं आ रही? ये नहीं बुरी हूँ मैं, बहुत प्यारी है ये। I am the cutest wife. Okay guys, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, गुड नाइट। ये व्लॉग कल भी कंटिन्यू होगा और अभी हम थाईलैंड सीरीज को रोक कर पहले ये वाला व्लॉग डालेंगे, बट स्टे ट्यून, थाईलैंड के अभी दो व्लॉग्स और रह गए हैं तो वो इसके बाद अब आएंगे। ओके तो स्टे ट्यून फॉर दैट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक, हैप्पी करवा चौथ। आज तो सुबह सुबह से मैं सूट पहन के बैठी हुई ना, इतना डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कभी सूट पहन के बैठती हूँ, मैं मोस्टली नाइट सूट में बैठी हुई होती हूँ, कहीं पे जाना होता ना तो ही मैं थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के निकलती हूँ। और भाई साहब आज फास्ट है ना, आज सुबह से इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है, मतलब जितनी नॉर्मल दिनों में नहीं लगती ना उससे ज्यादा आज लग रही है, क्योंकि आज पता है ना हम खा नहीं सकते। और हाँ गाइज, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी 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 न्यूज है, हमारा गाना टू मून आउट हो चुका है, तो जो जो ये ब्लॉग देख रहा है इसके बाद डायरेक्ट शिवम ग्रोवर चैनल पे जाना है, वहां पर टू मून सर्च करना। और वैसे भी ये करवा चौथ का व्लॉग है तो रिलेटेड टू मून ही है और टू मून आ गया। ओह राइट, यस। गाने को बहुत 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 सारा प्यार देना, बहुत सारा शेयर करना, रील्स बनाना, टैग करना हम दोनों को, हम लोग उसको पक्का पक्का रिपोस्ट भी करेंगे। ओके तो इस व्लॉग के बाद उधर जाके सबसे पहले आपको टू मून गाना देखना है, और जो जो तांशी व्लॉग से गया होगा देखने के लिए वो वहां पे वी आर फ्रॉम तांशी व्लॉग्स ये लिख देना, बस वी आर फ्रॉम तांशी व्लॉग्स। ओके अब मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए। अभी हम लोग निकल गए हैं घर से क्योंकि हमारे पास ना वो थाली नहीं थी जो पूजा में यूज होती है ना, हम निकल गए थाली लेने के लिए। आज तो मुझे अच्छा सा लग रहा है तेरे साथ घूमना। क्यों आज ऐसा नहीं लग रहा है मैं किसी झल्लो माई के साथ घूम रहा हूँ, आज ऐसा लग रहा है सुंदर सी लड़की के साथ घूम रहा हूँ। हाँ आज मैं सुंदर कन्या बनी हुई ना, वैसे मैं ऐसी नाइट सूट में पड़ी रहती हूँ या फिर नॉर्मल जींस टॉप में, आज स्पेशल ओकेजन है ना। चिल्ला जैसे चिल्ला रहा था, अब क्यों नहीं चिल्ला रहा, कैमरा खुल गया लोगों को सच्चाई दिखेगी। अकेले मत जा, मैं साथ जाऊंगा, ऐसे बोल रहा था तू, अच्छी लग रही है ऐसे बोल रहा तू, अब बोलना क्या हुआ। तो गाइस अभी हम आए घर बिना थाली लिए क्योंकि हमारे पास आ गया था कॉल, ये हमारे को एक बहुत ही क्यूट सा छवि ने गिफ्ट भेजा है। एक सेकंड, पीछे किसी के स्टैंड पे कपड़े सूख रहे हैं। तो ये हमारे को छवि ने भेजे है, इतना प्यारा बुक है, ये मेरी लाइफ का पहला बुक है पता है आपको। हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच छवि, गिफ्ट भी भेजा है, थैंक यू सो मच। बाकी हम कॉल करके थैंक यू भी बोलते हैं। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। यस I love gifts. You love to take gifts? No. I love to gift and I love to take gift. No. सच निकल गया इसके मुंह से। इसे gifts लेना बस पसंद है। मैंने कहा I love gifts. मैंने कहा बोला कि I love to take gifts. कुछ यार ये इतना Oh my God. ये तो flowers हैं तन्ने की life के पहले। पहली flowers. नहीं flowers पहला नहीं है। Flowers तो आपने दिए हुए हैं। बचपन में देते थे आप। Bouquet इसकी life का first. कैंडल लग रही है। बचपन में देते थे आपको क्या मतलब है? बचपन में तो 8th 9th में दिए हैं आपने फ्लावर्स। बस उसके बाद वो बचपन के प्यार में ही दिए हैं, जो दिए हैं उसके बाद नहीं दिए। ये तो मुझे कैंडल नहीं, ये जो बाद में तूने उसके बाद नहीं दिए का क्या मतलब, तो सुना रही है मेरे को। यस ये क्या है? पता नहीं क्या। ओह ड्राई फ्रूट्स। वाओ ये हम व्रत तोड़ने के बाद खाएंगे। मैं तो खा ही नहीं सकती, मैं अभी खाने लगी थी। शिट देखा गाइस किसका कितना प्यार है पता लग रहा है आपको? मैंने सीधा बोल दिया छुट्टी की, ये तो हम व्रत तोड़ने के बाद पता लग रहा है आपको। चॉकलेट्स, इसमें भी चॉकलेट्स है। ओए कितनी प्यारी प्यारी सी है, ये बिस्किट्स हैं क्या? क्यूट क्या है ये, कितनी खुशबू आ रही है इसमें से। बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, अलग-अलग कलर्स की। ये चॉकलेट्स ही लग रही है मुझे तो, डार्क चॉकलेट। खुशबू से सूंघ के पेट भर लेती हूं। ओ माय, मुझे भी सूंघाइयो, मैं भी सूंघ लूं यार। छी कितनी गंदी आवाज, इसमें डेट्स की चॉकलेट भी है, डेट्स की स्वीट डिश भी है। मत रो, रो क्यों रही है अब? मत कर मत कर, कैमरा बंद कर दे यार शिवम, क्या है?
कैमरा बंद कर दो। अच्छा मेरे को नहीं पता क्या है, क्यों वैसे सैड क्यों है, क्या तूने रुलाया, तू चिल्लाया है मेरे ऊपर बिना बात के, आगे से पूछ रहा कि सैड क्यों है। सॉरी कैमरा बंद कर दे अभी। नहीं कैमरा मैं तब तक नहीं बंद करूंगा जब तक तू। गाइस बहुत बहुत बधाई हो आप सबको क्योंकि तान्या मान चुकी है बहुत देर के बाद। बहुत बहुत बधाई हो बोल रहे सबको, बधाइयां बधाइयां जी बधाइयां। और अब हम कर रहे हैं हमारी पूजा की तैयारी। तो आपको गाइस आप क्या कैसे सेलिब्रेट होता है करवा चौथ कमेंट करके जरूर बताना। पूजा की थाली में आप सबको दिखाता हूँ, ये बादाम पड़े हैं, ये फ्रूट है, ये 500 रुपए जो मैं ले लूंगा। आप नहीं लोगे ये रोली, चावल, फ्रूट, बादाम, पैसे और इसको मोली और ये दीपक। ये जो है ये फ्रूट और ये बादाम और ये पैसे सासू माँ को देने होते हैं। ये मम्मी मजे आ गए 500 रुपए मेरे को दे देना बाद में। ये हमारा छोटू सा मंदिर है तो मम्मी तान्या से पूजा करवा रही हैं। पूजा कर रही है तान्या, मम्मी सारा सिखा रही है कैसे होनी है पूजा। तो इसमें तान्या बिंदी लगाना भूल गई तो मम्मी डांट रही थी उसे। तो ये मैं उसकी मेकअप किट लेकर जा रहा हूँ साथ में ताकि मम्मी सुंदर लग रहे हो। नहीं अच्छे लग रहे हो ऐसे सिर पे डाल के और लिपस्टिक वगैरह। सर पे डालनी चाहिए ना, सर पे बिना पूजा नहीं होती बेटा। हाँ जी गाइस मम्मी ने मुझे बोला अभी कि सिर ढकना जरूरी है तो मैं सिर ढक के आ गया। पहले तो मैंने तान्या की चुन्नी डाल ली थी सिर पे, फिर मम्मी ने कहा नो दामाद जी आप अपना ब्लॉग में बता रहे हैं कि दामाद जी नो। मम्मी कह रही है हेलो गाइस, मम्मी हेलो गाइस बोलना। हेलो गाइस, चांद देख कर जिमूंगी, भाई ने सोचा बहन चांद उगने तक भूखी रहेगी। एक को देख लो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। चल हाँ ठीक है गाइस देख लो ये कैसे कर रहा है, ये मेरे को पूजा भी नहीं करने दे रहा है। ये फोटोग्राफर बुलाया है हमने सस्ता सा लेकिन ये काम नहीं करने दे रहा है अपनी तरफ कैमरा। मेरे डिनर का टाइम हो रहा है ये खाने नहीं दे रहे मेरे को, अभी बनाना भी है फ्लैट पे जाके। कहीं पे भी एंगल आता नहीं है, फ्लैट पे जाके खाना भी खा। गाइस मीट माधव राठी जो कि हमारी आज वीडियोस बनाने हैं, रील्स बनाने हैं और वो उन रील्स को आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। और ये बिल्कुल बेवकूफ है, इतना बेकार फोटोग्राफर है। अभी डिनर भी बनाना है जाके, खाने नहीं देने। बहन और जीजा सुबह से भूखे बैठे हुए लेकिन इसे अपनी डिनर की पड़ी हुई है जो कि लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा हुआ होगा, स्नैक्स भी खाए हुए होंगे। तान्या ने माधव को बोला है अगर हमारी इस रील पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए तो तान्या माधव को 500 रुपए देगी। हां मैं 500 रुपए। व्रत खोलने के बाद हम लोग निकल गए हैं डिनर करने के लिए। हमने बस पानी पिया और थोड़ी सी मिठाई खाई और अब हम लोग निकल गए हैं डिनर करने के लिए। बाहर से कुछ मस्त सा खाएंगे। शिवम ने कहा कि कुछ मस्त सा खिलाएगा, क्या खिलाने वाला है? हनी चिली कॉलीफ्लावर, तान्या का फेवरेट। यस। और आज पता है वो सबको बता आज क्या हुआ? क्या हमारी ना किसी पोस्ट के नीचे ना कॉमेंट आया एक कि भाई ये सब एक लव वाला हमारा पोस्ट था जिसमें हम मतलब वो था क्या बोलते हैं कैसा था हमारी एक पोस्ट थी वो थी करवा चौथ रोमांटिक सॉन्ग पे थी। हाँ, करवा चौथ प्रेपरेशंस की एक पोस्ट थी तो उसके नीचे कमेंट आया कि ये लोग जो भी करते हैं ना ये सब व्यूज और पैसे के लिए करते हैं, असल जिंदगी में ये बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं, ये हमारे बहुत कलेश करते हैं। हाँ, मतलब ये उनको हमारे किसी नेबर ने बताया है। ओ भाई वो कमेंट पढ़ के हम तो पहली बात तो इतना ज्यादा हंसे, फिर मुझे ऐसा लगा कि उस नेबर ने पता क्या सुना होगा। हम देखते हैं बिग बॉस और स्पीकर्स में मेरे स्टूडियो में स्पीकर्स में लगा के तेज आवाज में तो आस पड़ोस वालों तक आवाजें जाती होंगी। हाँ। उन सबको लगता होगा इनके घर में कलेश चलते रहते हैं पूरे तोड़ और सेकंडली वो भी मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ उसमें अभिषेक बोलता है ना मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और सेकंडली ये भी हो सकता है कि जो हम एक्टिंग वीडियोस बना रहे होते हैं जिसमें हम चीख रहे होते हैं एक्टिंग कर रही होती है तेज आवाज में, उन्हें लगता होगा इस घर में कलेश चल रहा है और ये वीडियोस ड्रामे के लिए बनाते हैं। हाँ, सच में। तो हम इतना हंसे और मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ते नहीं है बट बहुत रेयर होता है।
होती है हमारी लड़ाई, जिसमें ऐसे हम चिल्ला रहे हो ना, और उसने लिखा है कि हम बहुत ज्यादा लड़ते हैं, वो फेक अकाउंट से है, पक्का फेक अकाउंट से है कमेंट। शिवम मेरे पीछे इतना ज्यादा पड़ा हुआ था कि तुझे कुछ गिफ्ट करना है, गिफ्ट करना है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि तुझे गोल्ड का कुछ दिलवाना है। अभी ये मेरे को ज्वेलर के पास लेके जा रहा था, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया कि नहीं भाई, गोल्ड संभालना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इससे अच्छा तू मेरे को म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट कर दे, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट आई गेस। वो भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट है। हमेशा गिफ्ट ऐसे ही दिया करो जो आपको फ्यूचर में भी काम आए, चाहे फिर वो गोल्ड हो, चाहे ऐसे म्यूचुअल फंड्स वाली इन्वेस्टमेंट हो। तो म्यूचुअल फंड्स मैंने इसको गिफ्ट करे, जब वो 10-20 गुना हो जाएंगे तो फिर मैं वापस ले लूंगा ना, इसलिए मैंने बहुत बदतमीज है यार। गाइज गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। मुझे तो बहुत मजा आया, बस फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करा, वैसे मजा आया। ओके गुड नाइट, बाय, टेक केयर।